अस्सलाम वालेकुम। आज हम नारियल की बर्फी बनाने जा रहे हैं और ये इतनी जल्दी बन जाती है बिना गैस के और बिना दूध के, ऐसी बन जाती है बहुत जल्दी से और 10 से 12 मिनट में बन जाने वाली है। अगर चाहे आपके घर कोई मेहमान ना रहो और आपका कोई मीठा ना हो और या कोई लाने वाला ना हो तो आप घर में बना के खा सकते हैं और खिला सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये 1 कप सूखा नारियल लिया, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। और 1 कप हमने, ये आप देख सकते हैं ये वाला कप, ये इसके ये वाले 3 कप के बराबर है ये वाला कप। तो ये नारियल 3 कप है ये वाला, और 1 कप हमने ये कंडेंस मिल्क लिया है, और आधा टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है, और 2 कलर लिए, एक ग्रीन कलर है एक येलो कलर है। तो बना के दिखाते हैं आपको। और वर्क है चांदी का, ये लगाएंगे, बाल में डाल लेते हैं। ये देखिए 250 ग्राम के करीब होगा ये हमारा नारियल पाउडर। हम इसमें इलायची पाउडर डाल लेते हैं, वैसे अच्छे से मिला लेते हैं ताकि जब हम अलग अलग इसको करें हिस्सों में, 3 हिस्सों में, तो खुशबू सब में एक सी हो। तो इसीलिए आप चाहें तो जाफरान भी घोल के डाल सकते हैं, कलर कोई से भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए अच्छे से मिला लिया हमने, और इसमें चीनी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंडेंस मिल्क बहुत ही मीठा होता है, तो हम सारा यही यूज करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, हाथ की मदद से ही मिला लेंगे, चम्मच से बहुत टाइम लगेगा। तो हाथ धो लें साफ करके और सुखा लें हाथों को, और तब आप यूज करें, क्योंकि ज्यादा हमें पतला नहीं चाहिए ना ज्यादा हमें मोटा चाहिए। ये देखिए अच्छे से मिला लिया हमने, हमारा थोड़ा सा कम है तो हम इसमें 1/2 कप और डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हमने पिस्ता भी काट रखा है महीन महीन, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो प्लास्टिक का ये कप है, ये 1 कप और डाल दिया हमने, और कंडेंस मिल्क और डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। तो ये 1 कप है पूरा हमारा नपा हुआ, जितना आप मीठा खाते हो उसके हिसाब से मीठा डालें, और नहीं तो आप इसका 1/2 कप जो इसके कप आते हैं 4 से 5 कप होते हैं, तो इससे छोटा वाला जो कप होता है उसका 1/2 हो जाता है। तो 1/2 कप आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। इसे हल्के हाथ से हमें सबको मिलाना है ताकि ये अच्छे से मुट्ठी सी बनने लगे। ये आप देख सकते हैं अभी ये मिला नहीं है सही से, इसे सबको मिला लेते हैं। अब अच्छे से मिला दिया, आप देख सकते हैं ये ऐसे बनने लगी है मुट्ठी सी इसकी। तो हम इसके 3 हिस्से करेंगे क्योंकि 2 में हमें कलर डालना है। आप कलर अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, या जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो वाले कलर डाल सकते हैं। देखिए अच्छे से मिला लिया हमने, देखिए इसके हम 3 हिस्से कर लेते हैं। हमने ये कंडेंस मिल्क लिया था कप में, इससे ही नाप लेते हैं, देख सकते हैं। तो इसे अलग रख देते हैं, ज्यादा दबा के नहीं नापना है नहीं तो वो तो सारा ही आ जाएगा। इसीलिए देखिए ये देखिए 1 कप ये हो गया, इसे निकाल लेते हैं। इसमें हम कलर डाल लेते हैं थोड़ा सा, ये ग्रीन कलर है तो हम इसमें डाल लेते हैं करके डालें। आप चाहें तो पिस्ता भी पीस के वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है सभी के पास नहीं होता है, तो इसीलिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। पिस्ते का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा डार्क कलर करना है हमें, ये अच्छे से मिला लेते हैं।
ये देखिए ग्रीन कलर हमने मिला लिया अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना डार्क है ये, इतना ही। आप लाइट चाहते हैं तो आप लाइट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डार्क अच्छा लगेगा। ये अलग रख लेते हैं खट्टा करके। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये ऐसा मीठा है जो हल्का मीठा खाते हैं वो भी खा लेंगे, टेस्ट खाते हैं वो भी खा लेंगे। ये देखिए हमने अलग रख लिया ग्रीन कलर का बना के एक हिस्सा। अब हमने हाथ धो लिए और बाउल को भी हम टिश्यू से सफा कर रहे हैं, ताकि हमने इसमें ग्रीन कलर मिलाया तो हमारा जो ऑरेंज कलर मिलाएंगे हम तो उसमें नहीं लगे, इसीलिए तो इसे साफ कर लें बाउल को बिल्कुल। ये देखिए हमने बाउल को सफा कर लिया, तो इसमें एक वाइट हिस्सा और डाल लेते हैं। ये देखिए हमने व्हाइट और डाल लिया है, एक हिस्सा और डाल लिया, तो हम इसमें हम डार्क येलो कलर डालेंगे थोड़ा सा। हमें थोड़ा डार्क ही चाहिए क्योंकि वीडियो में भी अच्छा लगे देखने में, और जब खाने वाले खाएं तो कलर देख के भी बच्चे भी खुश होते हैं जब कलर दिखाई देता है। देखिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए येलो कलर, थोड़ी सी और जरूरत पड़ेगी कलर की। जरा सा कलर और डालेंगे हम। हमने 2 से 3 चुटकी के करीब कलर यूज किया है, इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर लग रहा है, येलो येलो सा। देखिए कलर अच्छे से मिला लिया हमने। अब इसे भी हम अलग रख देते हैं और जमाने की तैयारी करते हैं। एक हिस्सा हम व्हाइट ही रखेंगे। बाउल को हटा देते हैं, इसे सबको एक जगह करके और प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे बहुत ही आसानी से बन जाने वाली बर्फी है ये नारियल की, और आप देख सकते हैं हमने गैस भी नहीं जलाया है, कुछ नहीं करा है, ना ज्यादा मेहनत लगी है। ये देखिए बर्फी जमाने के लिए हमने ये ट्रे लिए, अब इस पे हम बटर पेपर रख देंगे। अगरचे आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप साथ ट्रे में भी डायरेक्ट जमा सकते हैं, हमारे पास ये है तो हम इसे, क्योंकि इसके शेप बनाने में आसानी रहेगी इसीलिए। तो इस पे थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं, हल्का सा हल्का हल्का सा, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, बस चुपके नहीं नीचे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आप पसंद करते हो लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा किनारियों में भी करके लगा लें ताकि हमारी बर्फी चुपके नहीं। ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नारियल भी चिकना होता है, और हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है वो भी चिकना ही होता है। ये देखिए ये अच्छे से हो गया। हम इसमें ग्रीन कलर फैला देंगे अच्छे से, हाथ से ही फैला दें, आप चाहें तो बेचलर की मदद से फैला दें, लेकिन हाथ से जल्दी फैल जाएगा ये। थोड़ा पतला सा करके या चम्मच की मदद से फैला दें। हमने अच्छे से फैला दिया आप देख सकते हैं, तो इस पे हम फिर व्हाइट फैलाएंगे। ये भी हम ऐसे ही फैला लेते हैं अच्छे से और फिर दिखाते हैं आपको।
ऐसे चम्मच से दबा दबा के एक साथ कर देते हैं, इसे ग्रीन कलर को बिल्कुल छुपा देंगे ऊपर से। ये देखिए चम्मच की मदद से, आप चाहें तो हाथ से भी फैला सकते हैं जल्दी, और बाद में एक सार कर लें चम्मच से। व्हाइट जो हिस्सा था वो भी फैला दिया, आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से हमने सब अच्छे से फैला दिया और इसे अच्छे से दबा दिया। अभी हमारे पास येलो है तो इसे भी हम इसके ऊपर से अच्छे से फैला देते हैं सबको। ये देखिए बराबर की तय हो जाएंगी। आप चाहें तो इसे बीच में ले सकते हैं कलर को, व्हाइट ऊपर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ले सकते हैं। और हमने व्हाइट बीच में कर दिया ताकि वो दोनों कलर अच्छे से उभर के आए। कितनी जल्दी मिठाई बन जाती है, तो थोड़ी सी सेट करने में टाइम लगता है। बीद आ रही है, ईद पे बना के खाएं घर में, रक्षाबंधन आ रही है तो बना के खाएं। ये देखिए सब अच्छे से फैला दिया हमने, अब चम्मच की मदद से हम एक सार करेंगे इसे। तीनों तो ऐसी दिखेंगी, ऐसे भी हम चम्मच से एक सार कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको नई वीडियो जो है। तीनों हिस्से उसके जमा दिए, आप देख सकते हैं तीनों कलर नजर आ रहे होंगे आपको, व्हाइट ग्रीन और येलो तीनों। तो हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं और फिर इस पर चांदी का वर्क लगा के दिखाते हैं आपको। हमारी बर्फी जम गई है अच्छे से आप देख सकते हैं, तो हम इसमें वर्क लगा देते हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी है, और वर्क लगाना चाहें तो वर्क लगा सकते हैं। हमारे पास छोटे साइज के हैं, आपके पास बड़े साइज के हों तो आप वो लगा सकते हैं। ये देखिए हमने सब लगा दिए, तो इसे काट के दिखाते हैं आपको। ये देखिए टिश्यू पेपर की वजह से आप आराम से उठा सकते हैं इसे। ये देखिए ये अच्छे से जम गया है। इसे छुरी की मदद से काट ले, आपकी मर्जी है, आप जैसे पीस काटना चाहें, जितने बड़े साइज के आप इतने काट सकते हैं। हम सब ऐसे काट लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने सब पीस कट कर लिए इसके, आप देख सकते हैं। प्लेटों में निकाल लेते हैं, प्लेट में ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, तो ऐसे सब निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं नारियल की बर्फी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं, तो चारों तरफ से कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, दोनों तीनों कलर। आप चाहे तो मोटी लेयर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, हमारी थोड़ी सी ग्रीन कलर की लेयर थोड़ी सी पतली है, आप चाहे तो मोटी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। बच्चे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी, और अगर चाहे आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए।
बेल आइकन दबाना जरूरी है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है कलर, तीनों कलर अच्छे लग रहे हैं। व्हाइट कलर बीच में आ रहा है और दोनों कलर डार्क कलर दोनों ऊपर नीचे हैं। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।